मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के मूड़ा कला इलाके का है। यहां बीते दो दिन पूर्व ब्रह्मावली कस्बे में खेतों में अचानक तेंदुए के पग चिन्ह दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को पग चिन्ह मिलने की सूचना दी और खुद को घर में कैद कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पग चिन्हों की जांच कर तेंदुए होने की पुष्टि कर दी है। तेंदुए की चहलकदमी को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत रहने और झुंड में रहने की सलाह दी है तथा वन विभाग और ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुए पिछले दिनों में एक गांव से दूसरे गांव में चहलकदमी कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग ने अब तेंदुओं को पकड़ने के लिए सातिराना चाल भी चली है और खेतों में जंगल की तरफ जाल लगाकर उसे बकरी बांधी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही तेंदुआ बकरी को खाने के लिए पिंजरे में प्रवेश करेगा, वैसे ही वह पिंजरे में कैद हो जाएगा। ग्रामीणों रात में भी वन विभाग की टीम के साथ झुंड में होकर तेंदुए की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ तेंदुआ नहीं लग पाया है। ग्राम मूढ़ा ब्रह्मावली निकट तकिया चौराहा के पास जंगली जानवर के होने की पुष्टि हुई, जिसमें मेरे द्वारा स्टाफ को भेजकर उक्त जानवर की कॉमिंग कराई गई और उसके पक्षी ने देखे गए। पक्षी ने के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वन्य जीव तेंदुआ हो सकता है। इसके संबंध में लगातार कॉमिंग की जा रही है, लेकिन दोबारा उसके पक्षी ने नहीं दिखाई दिए गए। ग्रामीणों को इस संबंध में सचेत कर दिया गया है कि वो समूह में ही जाएं और किसी भी प्रकार की सूचना यदि वो कहीं स्थिर होता है तो हमें तत्काल बताएं, हम तत्काल उसको पिल्ला लगवा कर पुरवानी कार्रवाई करेंगे।